हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर सहित 3 जिलों में होगी पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सप्लाई, वाहनों और उद्योगों के लिए भी उपलब्ध होगी सीएनजी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने दी जानकारी, कहा अब रसोई गैस के लिए नहीं होगी कोई दिक्कत। सिटी गैस वितरण परियोजना का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास व उद्घाटन, कहा सस्ता गैस के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य भी रहेगा बेहतर। गोरखपुर न्यूज के क्रिएटिव हेड रहे समाज सेवी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की 23 नवंबर को दूसरी पुण्यतिथि समारोह का होगा आयोजन। 25,000 का इनामी बदमाश परवेज और उसके 4 साथियों को एक मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्टल तमंचा और कारतूस बरामद, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव का 80वें जन्मदिवस के अवसर पर सपाइयों ने काटा केक, मिठाई बांटकर धूमधाम से मनाया नेताजी का जन्मदिन, निकाला मेडिकल कॉलेज से पदयात्रा, सौंपा मंडलायुक्त को ज्ञापन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने मनाया पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 79वां जन्मदिन, केक काटकर की उनके दीर्घायु होने की कामना। हत्या के मामले में वांछित 6 अभियुक्तों को मात्र 24 घंटे में गघा पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ बासगांव ने किया खुलासा। बैंड बाजे ढोल नगाड़े और हर्षोल्लास के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे से निकाली गई श्री श्री गुरु नानक देव जी के 549वां प्रकाश उत्सव के पूर्व नगर कीर्तन यात्रा। बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे अखिल भारतीय स्वच्छाग्रह संघ का 4थे दिन भी धरना रहा जारी, स्वच्छाग्रहियों ने कहा किसी जिम्मेदार ने अब तक नहीं लिया हाल। और कप्तान विशाल यादव की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत देवरिया ने सिद्धार्थनगर को 94 रनों से रौंदकर अंडर 14 GCA क्रिकेट लीग के फाइनल में जगह किया पक्का।